नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल UPSLR एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एक 14 अगस्त का आदेश है और मैं थोड़ा लेट हो गया और मुझे मिला देर से, तो मैंने सोचा चलो जब मिला है तो ऐसे ही मैं आपको बना देता हूँ वीडियो। तो सभी ARP SRG और डाइट मेंटर दिनांक 16 अगस्त 2021 से विद्यालयों का भौतिक सपोर्टिव सुपरविजन प्रेरणा गुणवत्ता ऐप के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे। भौतिक समझ रहे हैं, अभी तक ई मॉनिटरिंग चल रही थी, अब भौतिक चलेगी, मतलब स्कूलों में जाएंगे अब। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, क्या क्या होगा। और मास्टर्स भैया, अध्यापकों, लोगों तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में भैया स्कूल खुलने ही वाला है। 23 सितंबर से जूनियर, फिर प्राइमरी खुलने वाला है, सॉरी 23 अगस्त से खुलने वाला है और 1 सितंबर से खुलने वाला है प्राइमरी। तो चलिए आदेश पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये 14 अगस्त का वीडियो है, चलिए क्या क्या कर रहे हैं देखते हैं, इसके बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं, देखते हैं क्या। ठीक है, ज़्यादा देखिए, एक ऐप पे ही सारा काम होने हैं, तो एक भौतिक गुणवत्ता पे प्रेरणा गुणवत्ता मोबाइल ऐप के आधार पर सपोर्टिव सुपरविजन होगा। क्रमशः जो देखो, ARP करेंगे 30, SRG करेंगे 20 और जो है डाइट मेंटर करेंगे 10 विद्यालय का निर्धारित चेकलिस्ट होगी, जिसे प्रेरणा गुणवत्ता मोबाइल ऐप के आधार पर सपोर्टिव सुपरविजन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कक्षा 1 से 8 तक का संचालित विद्यालयों के शिक्षकों शिक्षेत्र कर्मचारियों को दिनांक 1 जुलाई 2021 से आवश्यकता अनुसार उपस्थित हेतु अनुमति दी जाती है, परंतु अग्रिम आदेश तक, ये पुरानी चीज़ है, तो खैर आने वाले समय में नई चीज़ होने वाली है। चलिए देखते हैं क्या क्या चेक होगा 16 अगस्त। COVID-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शिक्षकों को मोहल्ला क्लास कक्षाओं का संचालन हेतु प्रेरित किया जाए। विजिट के दौरान ARP डाइट मेंटर व SRG द्वारा इन कक्षाओं में रुचिपूर्ण कक्षा शिक्षण का संचालन भी सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद ई पाठशाला के अंतर्गत संचालन हेतु राज्य स्तर से कक्षावार विषयवार शैक्षणिक सामग्री प्रत्येक रविवार को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम प्रसिद्ध की जा रही है। चलिए प्रसिद्ध की जा रही है। सुनिश्चित किया जाए कि नियमित रूप से शैक्षिक सामग्री शिक्षकों द्वारा अभिभावकों, प्रेरणा साथी व बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा की जा रही है। प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेरित साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता में अधिकतम बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित कराई जाए। जिन विकास खंड या विद्यालयों में ई पाठशाला की पहुँच या क्विज एवं दूरदर्शन में प्रसारित शैक्षिक सामग्री को देखने में बच्चों को कम प्रतिभागिता हो, उन विकास खंडों में विद्यालयों की प्रतिभागिता के आधार पर सपोर्टिव सुपरविजन सुनिश्चित किया जाए। राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री एवं आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड के अतिरिक्त शिक्षकों द्वारा भी आवश्यकतानुसार शैक्षिक सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति स्तर और शैक्षिक सामग्री की पहुँच सुनिश्चित किए जाने के संबंध में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों से प्रति संवाद स्थापित किया जाए। इसके साथ ही प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा ऐप, रीड एलांग ऐप, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध शैक्षिक सामग्री के प्रयोग के संबंध में जागरूक किया जाए। शिक्षकों के प्रयोगार्थ शैक्षिक सामग्री हस्तपुस्तक का आधारशिला दान कर शिक्षा संग्रह आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका समृद्ध संदर्शिका एवं बच्चों के प्रयोगार्थ सहित पुस्तिका की विद्यालय में उपलब्धता, उक्त शैक्षिक सामग्री के शिक्षकों एवं बच्चों को अध्ययन करने हेतु प्रेरित किया जाए। बुनियादी शिक्षा और 3 हस्तपुस्तिकाओं ध्यानाकर्षण आधारशिला एवं शिक्षण संग्रह द्वारा आधारित कोर्स दीक्षा पोर्टल पर लाइव हैं। सभी शिक्षकों को उक्त कोर्सेज पूर्ण करने हेतु प्रेरित किया जाए तथा सपोर्टिव सुपरविजन कोर्स से संबंधित विभिन्न विषय वस्तु पर चर्चा की जाए। एक दिन में केवल 2 विद्यालयों का ही सपोर्टिव सुपरविजन किया जाए। एक विद्यालय में कम से कम 2 घंटे उपस्थित रहकर उपरोक्त बिंदुओं पर शिक्षकों को हैंड होल्डिंग व अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाए। नए पंचायत स्तर पर होने वाले कम से कम 2 शिक्षक संकुल बैठक में प्रतिभाग कर शैक्षिक सहयोग व संदर्शिकाओं में दी गई शिक्षण योजनाओं के डेमो एवं उनके कार्यान्वयन को बेहतर करने के सुझाव दिए जाएं। सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अनुश्रवण डाइट प्राचार्य की अध्यक्षता में आयोजित मासिक बैठकों में समस्त
एसआरजी द्वारा समय से प्रतिभाग किया जाए। बैठक में मासिक लक्ष्य के आधार पर प्रगति की समीक्षा, चुनौतियों पर चर्चा एवं समाधान, मिशन प्रेरणा की पाठशाला की प्रगति इत्यादि बिंदुओं पर समीक्षा एवं प्रस्तुतिकरण किया जाए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत समस्त गतिविधियों का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाए। इसके साथ ही प्रत्येक शनिवार को जिला परियोजना कार्यालय में आयोजित होने वाली साप्ताहिक बैठक में दीक्षा ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलॉन्ग ऐप की डाउनलोडिंग की प्रगति एवं प्राप्त आंकड़ों के आधार पर मिशन प्रेरणा की पाठशाला की समीक्षा की जाए। उक्त बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी एसआरजी की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए, जिससे कि राज्य स्तरीय निर्देश और शैक्षिक सामग्री शिक्षकों और अभिभावकों को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जा सके। जिला समन्वयक प्रशिक्षण द्वारा इस हेतु समन्वयन कार्य किया जाए। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रधानाध्यापक की अधिक मासिक बैठक में विकास खंडवार सपोर्टिव सुपरविजन की प्रगति की समीक्षा की जाए। इसके साथ ही समस्त शिक्षक संकुल की पाक्षिक ऑनलाइन ऑफलाइन बैठक आयोजित कर ई पाठशाला के सतत व सक्रिय संचालन हेतु आवश्यक सहयोग और मार्गदर्शन किया जाए। ठीक है, देखिए अनुपालन किया जाए। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई है, अभी स्कूल खुलने की तैयारी अगले हफ्ते से, ठीक है। तो अभी जो ये सपोर्टिव सुपरविज़न है वो होगा, लेकिन अभी मोहल्ला पाठशालाओं का नहीं होगा, बाकी हर चीज़ों का होगा, क्योंकि अभी भौतिक रूप से जो क्लासेस चालू हो जाएंगी तो ये नहीं होगा। दोस्तों ये हमारा वीडियो था। कुल मिलाकर मैं एक चीज़ आपको बताया देना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ कि जाँच बहुत तगड़ी होगी, कोई ना कोई चेक होगा करेगा, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी ज़्यादातर नए आ चुके हैं, ट्रांसफ़र हो चुका है, तो जो नए खंड शिक्षा अधिकारी हैं वो भी जांच करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वीडियो था। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगती हो, पसंद हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब बिल्कुल कर जरूर करिए।